श्री राम सारे अपने दोस्तों जिन्हें भी अपने है जड़ा एक मैं अपना दो पार्ट बना चुके आप वीडियो के परसनल जेडे अपने बिजी बंदे होंगे ने बहुत ज्यादा जेडे हफ्ता पूरा रेगुलर नहीं जिम आ सकते दो दिन या तीन दिन जेडे जिम आते हैं उन्होंने वास्ते वीडियो बनाई थी। पहला पार्ट जरा वो चेस्ट बैक और शोल्डर का लैग्स का सगा फिर उस तो बाद कार्डियो सैशन का सैकेंड डे बनाया सगा हूँ आप थर्ड डे का एक सैशन है बाइसेप ट्राइसेप और शोल्डर का तो वो अपने मिस्टर ओम अपने नाल सारे करके दिखाएंगे वर्कआउट कितना है। तो आज आप चलते हैं अब शुरू करते हैं अब आप पहले हम बाइसेप ट्राइसेप और शोल्डर तीनों के इकट्ठे नालों सैट चलेंगे बगैर रेस्ट जो सुपर सेटिंग कहते तो ओम भाई करियो शुरू करियो थोड़ा पीछे लो आर्म स्ट्रेट कर लीजिए हाथ आगे बॉडी अंदर ठीक है और उसको मेरे हाथ लगे एक कलाइयों ऊपर ऑन शाबाश टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन अब ऊपर ले जाओ रॉड को अब यहां से नीचे ले जाओ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन नीचे लेके आओ नीचे लेके आओ अब स्टार्ट करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन ओके अब इसको रखो नीचे रखो आप ये वाले ठीक है जो खड़े खड़े आप थोड़ी भी नाल आई जाती है खड़ी स्टार्ट करो बेंच डिप्स लगाने ट्राइसेप्स की है साथ में बेंच डिप्स ठीक है नीचे आओ वन ऊपर आ जाओ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन दो शाबाश ओके आ जाओ शोल्डर पे आ जाओ ठीक है उल्टे हाथ उल्टे हाथ छोड़ो कंधे लगाने कंधे उठाओ ऊपर ले जाओ ऊपर 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 ये नीचे लेके आओ ले जाओ ऊपर बिल्कुल नीचे तक लेके आओ मेरे हाथ तक लेके आओ ठीक है यहाँ से ऊपर ले जाओ ठीक है 15 तक काउंट करो ठीक है 15 रेपिटेशन काउंट करो मैं सारे फिर दोबारा दस रहा कि तीन एक्सरसाइज आप कट्ठिया लगाई है पहली आप बाइसेप लगाई थी सुपर सेवन के अंदर सत्त नीचो हाफ सत्त उपरो हाफ और सत्त पूरी फुल रेपिटेशन और उस तो बाद ना लगाए बेंच डिप्स बाइसेप वास्ते और आज शोल्डर वास्ते चल रहे 15 रेपिटेशन तीनों के गैप नहीं पाना लगातार चलेगी एको साल इन बोलते सुपर सेवन ताकि अपनी एक्सरसाइज फटाफट फिनिश हो सके हो गए 15 हो गए अगे ठीक है नीचे तो ये अपना पहली एक्सरसाइज थी पहला सेट सीगा हूँ आप दूसरी एक्सरसाइज उपर रहने सारे तीन तीन सेट कंप्लीट करने अपने आप लगा के दिखाते रॉड सुपर सेवन बेंच डिप्स और शोल्डर पे तीन तीन सेट सेवन अप और 12 रेपिटेशन और 15 रेपिटेशन कंप्लीट करने हूँ आप सेकंड एक्सरसाइज चल रहे हैं हूँ सेकंड एक्सरसाइज में लगवा रहा वहां बाइसेप डंबल का लगावेंगे इनक्लाइन बेंच से लेट के बोथ हैंड ठीक है जी उस तो बाद नाल अपनी किक बैक चलेगी और उस तो बाद शोल्डर की साइड रेस चलेगी आओ मिस्टर ओम भाई करियो शुरू करियो डंबल उठाओ आप पीछे थोड़ा लेट जाओ ठीक है और हेड अपना ऊपर रखने हेड को जाओ नीचे लेके जाने की जरूरत नहीं है पेट अंदर चलो आप उठाओ शाबाश वन टू और जो कलाइयां इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कलाइयों को थोड़ा ऊपर की तरफ रखना है बहुत सारे मेंबर ये गलती करते हैं कलाइयां नीचे की तरफ रखते हैं कलाइयां ऊपर रखनी है ये करना है शाबाश थोड़ा और नीचे लेके जाओ नीचे लेके जाओ यहाँ पे होल्ड करो यहाँ पे ऊपर आओ ठीक है कलाई नीचे नहीं जाइए कलाई ऊपर जाइए और जब ऊपर आते हो बाइसेप को कंसंट्रेट करो यहाँ पे प्रेशराइज करो ठीक है 12 रेपिटेशन काउंट करने कितने हो गए 6 हो गए शाबाश 7 8 1 9 10 11 शाबाश एक और 12 ओके अब एक काम करियो ये दोनों डंबल उठाओ 7.5 किलो किक पैर लगा दिए दोनों इकट्ठे हाथ थोड़ा आगे बैंड दो एक पैर आगे कर लो जाए ये पीछे करो वो आगे करो ऐसे पैर आगे आगे पीछे करो ना हाँ अब लाओ ठीक है पीछे ले जाओ आम बिल्कुल हाथ सीधा करो ठीक है अब ले आओ आगे फिर ले जाओ पीछे ठीक है आवाज ये हो गए किक पैर आवाज बंद कर दो ठीक है
ये एक्सरसाइज का नाम है किक बैक। यहाँ पे ट्राइसेप्स को पूरा कंसंट्रेट करना है इस चीज को, यहाँ पे लेके जाओ पीछे, यहाँ पे होल्ड करना है, अब आगे आओ, ठीक है, फिर पीछे ले जाओ, होल्ड करो फिर आगे आओ। कई लोग क्या करते हैं, फटाफट से ऐसे झटके झटके लगाते हैं, ऐसे नहीं करना है, रोकना है पीछे लाके, होल्ड करना है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, इसके लगाने 12 रिपीटेशन। चलो ओम भाई, अभी साइड रेस्ट शुरू करिए, खड़े होकर मत, अब देख रहे हो कि बिल्कुल रेस्ट नहीं हो रही है, लगातार फटाफट से चल रही है एक्सरसाइज। अब और ऊपर लेके आओ, और ऊपर, हाँ नीचे, ठीक है, आवाज 1 2 हाथ थोड़ा खोल के, खोल के रखो हाथ, 3 4 5 6 7 8 पैरों में जोर कम लो, 9 10 11 आवाज बहुत बढ़िया। तो आप सब देख सकते हो कि भाई का कितना जोर लग रहा है, 3 एक्सरसाइज इकट्ठी लगी है, बाइसेप डंबल, किकबैक एंड लेटरल रेज, तीनों इकट्ठी एक ही सांस में लगानी है, 3 से लगानी है सबके, 12 रेपिटेशन दे दी अपनी सेकंड एक्सरसाइज। अब थर्ड है, लास्ट वन जो एक्सरसाइज चलेगी, क्योंकि आप बिजी पर्सन हो इसके लिए शेड्यूल बना रहे हैं कि फटाफट से अपना शेड्यूल खत्म हो, 30-35 मिनट लगे जहां से अपने को टाइम ना लगे, ठीक है। अब लास्ट हम थर्ड एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है। तो हमने अपनी थर्ड एक्सरसाइज की है रिवर्स बाइसेप कर्ल, बहुत इजी एक्सरसाइज है, यानी कि आप अपने शोल्डर की लेंथ में इंप्रूव करने में बहुत हेल्प कर दी है। चलो स्टार्ट करो, रिवर्स के लिए उल्टे हाथ से पकड़ने, ठीक है, यहाँ से, और इसको पूरा ऊपर तक लेके आओ और एल्बो आगे रखनी, ठीक है, नीचे लेके आओ, ठीक है, ओके। 12 रिपीटेशंस काउंट करने हैं, 2 हो चुके हैं, 3 4 5, ठीक है, बहुत अच्छा, शाबाश, थोड़ा एल्बो अंदर रखनी है, एल्बो अंदर, ठीक है, बहुत बढ़िया। कितने हो गए, 8 9 10 11 और एक ये हो गया अपने 12 रख दो। अच्छा, जो भी आप सेट लगा रहे हो उसके बाद थोड़ा सा उसको पंप जरूर करना है, ऐसे चाहे पहले रॉड लगाई थी उसमें थोड़ा सा बाइसेप कर्ल पंप कर सकते हो, डंबल के बाद भी थोड़ा डोले पंप कर सकते हो, बाइसेप पंप करने, शोल्डर लगे तो हाथ पीछे से पंप करने, पंपिंग जरूर करनी है, स्ट्रेचिंग जरूर करनी है। और अब नेक्स्ट एक्सरसाइज चलते हैं, ये रिवर्स के साथ में ये ट्राइसेप लीक करिए, ठीक है, चेस्ट पूरी बाहर, ठीक है, ले जाओ नीचे, एल्बो थोड़ी आगे और अंदर, एल्बो अंदर, अंदर, ठीक है, लेके जाओ, आर्म स्ट्रेट, ठीक है, ये चीज ट्राइसेप पुल जो हम एक्सरसाइज का नाम है, इसके लगाने हैं 3 सेट और 15-20 रेपिटेशन की। जब नीचे लेके आना तो इसको थोड़ा होल्ड देना, पॉज देना, नीचे लाके रोकना है, ताकि ये चीज को प्रेशराइज करना है, इसको प्रेशराइज करना है। चलो स्टार्ट, आवाज 12 रेपिटेशन काउंट करने हैं भाई, आपने कितने हो गए, 6 7 रोक रोक के होल्ड करके पॉज देने, बहुत बढ़िया, हो गए 12 हो गए, शुरू हो रही है अपनी श्रग, शोल्डर श्रग लगाइए, शुरू हुई, हाथ थोड़ा क्लोज करो, ठीक है, अब ले आओ नीचे, ठीक है, सामने देख, थोड़ा हल्का बैंड लो और कंधों को पीछे तरफ लेके आओ, यहाँ पे होल्ड कर, ले जाओ नीचे, ठीक है, ठीक है, ये चीज कर लिया, बहुत बढ़िया, और ऊपर लेके आओ, रुकना होल्ड करना है, इसके भी 12 रेपिटेशन लगाने, 12 रेपिटेशन श्रग, शोल्डर श्रग, ऊपर लाके होल्ड करना है, बिल्कुल सीधे खड़े होके नहीं, थोड़ा सा बैंड होके पीछे की तरफ लेके आना, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। तो ये था अपना आज का शेड्यूल, बाइसेप ट्राइसेप और शोल्डर्स का, ये मेरा थर्ड पार्ट था, फर्स्ट चेस्ट और लेग का खत्म हो चुका है, फर्स्ट का सेकंड के था, ये डे थर्ड है, तो इसमें कुछ और भी दिक्कत होगी, कोई चीज़ वो आप मेरे से आगे पूछ सकते हो।